हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने टेक हेल्पिंग के यूट्यूब चैनल पर। आपने देखा होगा लूना और यूएसडी कॉइन जबरदस्त डंप हुए हैं। ये इस वक्त करंट प्राइस अगर हम बात करते हैं उसके लूना की तो $3.45 तक ये लग चुका है, 3.45 तक। आप अंदाज़ा लगाइए कितना मैसिव डंप इसके अंदर देखने को मिला है। अगर हम यही बात करते हैं करीब करीब चार से पाँच दिन पहले तक भी 88 अपना ऑल टाइम हाई $199.5 तक इसने हिट किया था। आप ये देख सकते हो कि इसने जो अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई जो बनाया था इसने अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 97% तक अपनी वैल्यू खो दी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि बीटीसी डंप की वजह से ये सारा ड्रामा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको लूना और यूएसडी के अंदर कॉम्बिनेशन, जो लूना का जो खुद का नेटिव स्टेबल कॉइन है, डॉलर पैक स्टेबल कॉइन है यूएसडी, उसकी अगर बात करते हैं तो जितने यूएसटी मिंट होंगे, मान के चलते आपने $10 के यूएसटी मिंट करे हैं, $1 के यूएसटी मिंट किए हैं आपने, जिसकी भी करंट प्राइस है 46 सेंट के आसपास चल रहा है पर यूएसटी, जो कि काफ़ी रिट्रेस हुआ है, जबकि ये स्टेबल कोइन है। ठीक है, और जो कि 21 सेंट तक गया भी था। अगर किसी ने 21 सेंट के आसपास इसे बाय भी किया होगा, वो अप्रोक्स करीब 2x प्लस प्रॉफिट में होगा, यानी कि यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा वो अभी भी कम से कम 1.50% तक के आसपास के प्रॉफिट में होगा। ठीक है, मैं बात ये नहीं करूँगा। अगर आप मान के चलते हैं, अगर आप एक यूएसटी को मिंट करते हैं तो आपको $1 की वैल्यू का लूना बंद हो जाता है। ठीक है, पर यूएसटी के अंदर काफ़ी पैनिक सेलिंग देखने की वजह से लूना भी बिल्कुल मैसिव डंप हो रहा है। अभी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जितना $1 तक यूएसटी को जाने में लगेगा, उससे पहले $1 तक लूना पहुँच जाएगा। ठीक है, पर मेरी जो बाइंग जो मैं इसके अंदर करने वाला हूँ, 1.55 के आसपास मैं इसके अंदर बाइंग करने वाला हूँ लूना के अंदर, पर ये रिस्की मामला है कि आपका यहाँ तक ना भी जाए। ठीक है, आप चाहे तो अपने एंड पर रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर अगर जरा सी भी एंट्री बनती है और ये वापस इसके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो यहाँ से अगर मान के चलते ही अगर 50% भी रिकवर कर जाता है ना, तब भी आपको 1000% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर मामला। आप चाहें तो इसके अंदर एंट्री ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। मैं कोशिश करूँगा $2 एंड बिलो इसके अंदर पार्शली बेसिस पर एंट्री लेने के लिए। एक खतरा $1 बिलियन का इनको अमाउंट करना है। अगर ये नहीं कर पाए तो ये शायद क्या आपका दिवालिया घोषित भी हो सकता है, और इस सिचुएशन में ये सब कुछ डंप हो जाएगा। अब मान के चलते हैं, और हाँ, आपको लूना पे नज़र कैसे रखनी, अगर जब लूना का प्राइस, यूएसटी का प्राइस $95-97 से अबव, 0.97 सेंट से अबव चला जाता है, तो फिर इसके बाद ये जैसे ही स्टेबल हो जाएगा उसके बाद फिर लूना एकदम आप मैसिव पंप इसके अंदर आप देख पाओगे। अभी भी आप देख सकते हो 3.45 से $4 तक ही आ चुका है। आप चाहे तो एंट्री ले सकते हो, क्योंकि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसके, इसके पीछे बहुत सॉलिड टीम है, बट किसी कारण से ये नंबर ऑफ बीटीसी को भी एक नज़र मार लेते हैं, 31,608 तक ये जा चुका है। और इसने जो इसका जो सबसे नियरेस्ट स्पोर्ट था और हमारा जो फॉलिंग वेज का जो टारगेट था, उसके बाद इसने वापस से बाउंस बैक किया, यानी कि 30,326 के बाद ये बाउंस बैक हुआ। वैसे तो गया है 29 समथिंग तक गया था, तो यहाँ पर हमारी एंट्री ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है। ठीक है, और ऑलरेडी आप अगर आपने इसके अंदर एंट्री ली भी, हमारे सिग्नल ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ, ये देखिए, ठीक है, तो आपको सारी अपडेट यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे BNB का, बिटकॉइन का, लूना का चार्ट बिल्कुल टाइम टू टाइम, और लूना का चार्ट काफ़ी टाइम से आपको दिया जा रहा है ताकि आप शॉर्ट में भी प्रॉफिट अर्न कर सकें। अगर बात करते हैं अगर BTC की देखते हैं, अगर BTC 32 से अबव अगर ऊपर जाता, 32,800 के अबव जाता है, तो फिर हम 34 के आसपास तक भी इसको जाता हुआ देख सकते हैं। ज़्यादा डीपली आपको डिटेल नहीं दूंगा। अगर यहाँ से आपका जो 30,000 का अगर करीब पे स्पोर्ट टूटता है और नीचे इसकी 4 आवर की या 1 डे की कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम करीब करीब इसको $26,000 तक देख सकते हैं। इथेरियम को देखते हैं, इथेरियम से 2426 का चल रहा है, थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे इसके अंदर शॉर्ट एक पोजीशन ओपन थी, बट अभी स्टॉप लॉस का मामला नहीं है, बट यहाँ पर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अगर जैसे 2463 से ऊपर जाता है तो आप चाहें तो इसके अंदर एक एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं इथेरियम के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हमें चाहे तो ये दे भी सकता है, अगर हम यहाँ से इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से आपका इथेरियम को लगता है, तो मुझे लगता है कि आसानी से हमें, अगर हम एक शॉर्ट टारगेट देखते हैं इसका, तो हमारे पास टारगेट रहेगा इथेरियम का करीब करीब 2600 के आसपास। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ से भी,
तो भी अगर हम देखते हैं तो भी हमारे पास टारगेट रहेगा 2772 के आसपास का, ये इथेरियम के टारगेट रहेंगे हमारे। अगर अदरवाइज आप यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं $2265 का। इथेरियम का BNB का करंट प्राइस $312 का, और हमारे पास जो अच्छा स्पोर्ट था 296 का, ऑलरेडी आप लोगों को 280 तक का हमने बाइंग रेंज दी हुई थी। आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने BNB कॉइन के ऊपर। BNB ये देखिए, मैंने आप लोगों को BNB सॉरी हमने ऑलरेडी कल इसका लॉन्ग भी किया था। हाँ देखिए BNB का, नहीं काफ़ी पुरानी शीट है ये, चलिए कहाँ गई सीट, ये BNB का मैंने एक सीट और दी की एंट्री। तो आप देखिए यहाँ से आप चाहो ना तो 280 से लेके 310 के भी स्मॉल पार्ट में दो पार्ट में एंट्री ले लो, उसके बाद अगर मार्केट फिर डंप होती है अगर मार्केट किसी कारण से, तो फिर आप वहाँ पर दो पार्ट अपने पास बचा के रखें ताकि आप उसके अंदर भी एंट्रीज ले सको। तो ये थी दोस्तों आप लोग के हमारे पास जो कुछ कॉइन्स है जिसके बेस्ट एंट्रीज देख सकते हैं वो है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए BTC, इथेरियम, लूना को तो खैर छोड़ दीजिए, लूना तो बर्बाद हो गया, ठीक है। एटम, लिंक, डॉट, ठीक है, इनकी एंट्रीज थी जिसकी एक पार्ट आप लोगों को एडवाइस दी गई थी, बाकी आप और पार्ट आपको और डिप में देने की कोशिश करूँगा। सोल, मैटिक, ठीक है, और आपको BNB, इथेरियम, BTC, इन पर अपना नज़र बना के रखिएगा, हो सके तो AVX, इन कोइन पर नज़र बना के रखिएगा। आप चाहे तो इनके अंदर पार्शियल बेसिस पर एंट्रीज कर सकते हो, अभी लूना को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर झटके से पैसा बनाने की सोच रहे तो झटके से सब कुछ चला भी जाए। तो ये वीडियो थी दोस्तों, वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।